And we are back. Kerala needs 93 runs to win. A lot will depend Arjun pe. Arjun ne pehle innings mein 32 mara tha. Aur Vivek ne 21 run mare the 8 ball pe. Oh, well bowled. बहुत करीब है, क्या बात है। पहली बॉल स्टंप में डाली उन्होंने, बॉल स्किड करके कोई मौका नहीं दिया बैट्समैन को। लेंथ पे बॉल थी, ओ मिसकम्युनिकेशन, ब्रिलियंट फ्रॉम रितेश देशमुख। है प्रेशर का कमाल, देखिए रन था वो बॉल देख रहे थे, ये कहते हैं कि बॉल को मत देखिए अपने पार्टनर को देखिए, और निकलते चले गए, बॉल फॉलो की और रितेश ने क्लीन पिकअप और थ्रो, फिर वही बाउंस और दूर दूर से आउट हो गए। बहुत बढ़िया शॉट, आगे आए ना तो बॉल को बिल्कुल फुल वॉली पे लिया, अगर खड़े रहते क्रीज में तो बिल्कुल जॉर्ट हो जाते। तो थोड़ा सा आपको भी बॉलर को प्रेशर में डालना है, अगर बॉलर को आप तसल्ली देंगे कि जहां वो बॉल डालना चाह रहा है वहां करता रहे और आप कुछ ना करें तो बिल्कुल फिर रेत जैसे हाथ से निकलती है ना, मैच निकल जाएगा। टॉप शॉट कन्वर्टेड टू द बॉल, इज गाइडेड इट टू कवर पॉइंट। ओ ये करीब है, ओ हो हो, एम्पायर ने थोड़ा सा इग्नोर किया पर उनके घूम के आगे आ गए। डबल अपील, रिव्यू ले लिया है। शाकिब बिल्कुल मतलब बिलीव में है, एब्सोल्युटली श्योर दैट इट्स आउट। ये डिसीजन है, ये कॉल लेनी है एम्पायर को, तो आसान काम नहीं है। ओह ये मुझे लगा कि शायद अभी भी वक्त लग रहा है, जिस तरह से खड़े हैं ऐसे लग रहा था कि शायद बदलेंगे अपना डिसीजन। ओ मिल गई विकेट, नो बॉल हुआ है। बाकी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं बिल्कुल एकदम, और एकदम हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट शॉट है, सबसे बढ़िया जगह है शॉट लगाने की, दीवार क्रिकेट का हो गया अब तो वो तो बनता है। एक और बाउंड्री इस ओवर में, अपूर्व गेंदबाजी जारी रखते हुए अर्जुन है स्ट्राइक पर, अच्छा शॉट कट किया लेकिन बहुत ही जबरदस्त फील्ड सेटिंग है ये कहना होगा। जरूरी सभी चैलेंज है, अब यहाँ पे क्या चार मिलेंगे। T20 सीरीज 2-1 जीती थी, एक रिकॉर्ड स्थापित किया था, पर फिलहाल यहाँ पे चार मिल जाएंगे। जबरदस्त एफर्ट था लॉन्ग ऑफ पे, और कहीं ज्यादा चोटिल तो नहीं हो गए पर, और फंस गए रोड्स के नजदीक। शॉट था बड़ा अर्जुन की ओर से, बड़ा लंबा डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद ये डाइव बॉल को रोकने में कामयाब भी हुए। ओह करारा शॉट है, चार के लिए शॉट है, जबरदस्त प्रहार, एक और बड़ा प्रहार है यहाँ पे, कम से कम चार मिल गए जहां पे दो मिलने चाहिए थे। बाउंड्री के साथ ओवर खत्म किया है, 16 रन आए इस ओवर से। शॉट अच्छा था लेकिन मिलेगा केवल एक ही रन यहाँ पे। पेस ऑफ द बॉल, और यहाँ पे मुझे लगता है अपनी विकेट दे के जा रहे हैं, जानबूझ के अपनी विकेट दे कर जा रहे हैं सिद्धार्थ, ताकि शायद एक फ्रेश बैटर आके बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रणनीति है ये भी, एक दिमागी खेल सिद्धार्थ मेनन, मिस हुआ जहां पर कनेक्शन, बढ़ते चले गए पवेलियन की ओर। भैया सकीब ने भी सोचा कि इन्हें आउट करें या ना, नो बॉल, 100% नो बॉल है जी, यहां पर ने कॉल भी कर दिया, आई फुल टॉस, वेस्ट साइड छोड़ी है तो हेड हाइट पे थी, फास्ट स्ट्राइक है। और लीजिए बड़ा शॉट है ये, दूरी पूरी 6 की मंजूरी,
से मोमेंटम, उनके फैंस, उनके कैंप को लगता है कि ये मैच उनके पक्ष में आ सकता है। वेट किया उन्होंने बॉल के पेस को भाप कर पहले से और पूरा कनेक्शन शानदार, बड़ा शॉट, अच्छा कनेक्शन, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। दूसरे रन के लिए तेजी से बाहर वापस आते हुए रन आउट की कोशिश, बड़ी अपील है और रेफर करना होगा टीवी अंपायर की ओर। अर्जुन को वापस दे दें और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी है, पहुंच गए हैं जी, दो रन ऐड कर दीजिए स्कोर में। नॉट आउट का निर्णय आना चाहिए जी हाँ, और नॉट आउट का निर्णय आया शब्बीर के लिए। विकेट निकाला है, विकेट निकाला है, बड़ी विकेट है ये शब्बीर आलूवालिया, लाजवाब बॉलिंग। और यहां पर ये जबरदस्त लेंथ, गुड लेंथ, ये बॉल शॉर्ट रखते हुए लेंथ को, और उसके बाद दो ही रन मिल पाएंगे, एक ही रन से संतुष्ट हुए यहां। दो बॉल्स 11 रन, बड़े शॉट की कोशिश, और अब यहां से मुंबई हीरोज ने लगभग इस मैच में कब्जा कर लिया है। अंपायर का क्या निर्णय है, वाइड नहीं दी है, यानी कि इस मुकाबले को जीत लिया है मुंबई हीरोज ने 9 रनों से, इस मुकाबले को अपने नाम किया है। ओह दिलचस्प एंडिंग इस मुकाबले की, डाउन नेट आ जाती हुई गेंद थोड़ा सा शफल करके स्टंप्स के अक्रॉस चले गए थे बेनी, वाइड की उम्मीद थी, वाइड कॉल नहीं की गई, यानी कि जीत है ये मुंबई हीरोज के नाम। सीजन 10 की शुरुआत करिए एक जीत के साथ। तो केरला स्ट्राइकर्स सिद्धार्थ मेनन ने पारी खेली 32 रन की, लेकिन बहुत ही स्लो वो पारी थी। अर्जुन ने अपना सब कुछ झोंका 19 बॉल पर 34 रन, लेकिन उसके बावजूद फिनिश लाइन के पार नहीं ले जा पाए, और उसकी बहुत बड़ी वजह जो शुरुआत हुई थी सकीब की ओर से, जिस तरीके से 3 विकेट्स झटके में यहां पर खो दिए थे केरला स्ट्राइकर्स ने, वहीं से मुंबई ने पूरा प्रेशर डाला केरला के ऊपर। पार्टनरशिप्स की बात करें तो सिद्धार्थ और अर्जुन के बीच एक जो आपको पार्टनरशिप देखने को मिली थी 54 रनों की केवल 37 गेंदों में, उसने मैच में रोमांच बनाया। सिद्धार्थ ने उसके बाद अपना विकेट गिफ्ट किया था ताकि बेनी आ पाए और बड़ा शॉट ले पाए, पर अंत में पीछे रहे।